कोरोना संक्रमण काल में ग्वालियर में बड़ी मात्रा में अवैध शराब बरामद की गई। बताया जा रहा है कि पकड़ी गई शराब की कीमत लगभग 50 लाख रुपए है। लॉकडाउन के बावजूद अवैध शराब का कारोबार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। मुखबिर की सूचना पर ग्वालियर के गोसपुरा में ज्ञान वर्मा के घर पर छापेमार कार्रवाई की गई, जहाँ से अवैध अंग्रेजी शराब का जखीरा बरामद किया गया। यह अवैध अंग्रेजी शराब 3 कमरों में रखी हुई थी, जिसकी कीमत 50 लाख रुपए बताई जा रही है। अवैध शराब कारोबारी ज्ञान वर्मा को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। आज मुखबिर की एक विश्वसनीय सूचना मिली थी कि गोसपुरा नंबर 1 में किशन लाल वर्मा के मकान में ज्ञान वर्मा शराब का एक बहुत बड़े स्तर पर अवैध शराब का व्यवसाय कर रहा है। कोरोना संक्रमण के चलते जो बंद है सारी चीज़ें, उसका लाभ उठा के बड़े पैमाने पर अवैध शराब का कारोबार कर रहा है। इस सूचना को टीम ने डेवलप किया और इस मकान की जब सर्चिंग की गई तो इसमें बड़ी मात्रा में इंग्लिश शराब बरामद हुई है, जिसकी काउंटिंग अभी की जा रही है कि वो कुल मात्रा कितनी है। वो तकरीबन कई बल्क लीटर में है, अभी ये कह पाना मुश्किल है, और तकरीबन लाखों में उसकी कीमत। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।